हे गाइस, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट पेट्स। तो आज हम बात करेंगे आपके वजीज न्यूज़पेपर को क्यों च्यू करते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने देखा कि मेरे केज में जो जितने भी जो मैंने न्यूज़पेपर की बेडिंग बिछाई थी वो पूरा का पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, कुदर डाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेडिंग बिछाई थी सुबह सुबह न्यूज़पेपर की, जो उन्होंने पूरा का पूरा कुदर डाला है। तो इसके रीजंस क्या होते हैं कि आपके वजीज न्यूज़पेपर क्यों च्यू करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला रीज़न होता है वो है क्यूरोसिटी। हम सबको पता है कि हमारे पास जो लिटिल बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपने नेचर को लेके। ये आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए। और ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, ये करीब 5:30 बजे की वीडियो सुबह सुबह की, जिसमें मैंने अभी के अभी जो है न्यूज़पेपर बिछाया था। और आपने इससे पहले शाम की वीडियो देखी जिसमें न्यूज़पेपर को उन्होंने पूरा का पूरा च्यू कर दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था। तो मैंने आपको फर्स्ट रीज़न बता ही दिया है। और जो इनका सेकेंड जो रीज़न है न्यूज़पेपर च्यू करने के पीछे, वो है एक वे ऑफ लेइंग। कि आप देख सकते हैं मेरे केज में आपको एक भी टॉय नहीं दिखेगा बजीज के लिए। तो ये जो है न्यूज़पेपर को एज ए टॉय यूज़ करते हैं, ये न्यूज़पेपर को च्यू करते हैं ताकि ये खेल सकें। तो हम आगे से न्यूज़पेपर के जो है टॉयज़ बना के हम इस केज में लगाएंगे ताकि जो ये च्यूइंग का प्रॉब्लम है इनका वो थोड़ा कम हो। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इनके टॉयज़ के ऊपर आएगी, कि इनके टॉय हम कैसे बना सकते हैं, च्यूइंग टॉयज़ कैसे बना सकते हैं इनके लिए। तो आगे हम बात करते हैं इसके थर्ड रीज़न की। तो इनका जो है ये नेचुरल बिहेवियर होता है, जब ये जंगल में रहते हैं, मतलब नेचर में रहते हैं, तो इनकी चोंच को ट्रिम करके रखने के लिए इनको जो है बार बार किसी भी चीज़ को च्यू करना पड़ता है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो मिट्टी हो। तो ये लकड़ी को च्यू करते हैं ताकि इनके जो बीक्स हैं, जो इनके चोच है, वो एकदम ट्रिम्ड रहे। तो इनको यहाँ पे लकड़ी तो मिलती नहीं है, बट ये न्यूज़ तो उसकी जगह वो न्यूज़पेपर को च्यू करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ रीज़न के ऊपर। तो फोर्थ हमारा रीज़न है वो है ब्रीडिंग सीज़न। तो ये जो अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है, तो ये अगस्त के स्टार्टिंग से और अप्रैल के एंड तक, या फिर अप्रैल तक जो है इनका ब्रीडिंग सीज़न चलता रहता है, मतलब ये इस वक्त अंडे देते हैं। तो इनकी नेचुरल टेंडेंसी इस वक्त ये हो जाती है कि हर चीज़ इनको च्यू करना होता है। तो बेसिकली ये भी एक रीज़न है कि ये अपने जो है आसपास जो आपने न्यूज़पेपर रखा है, जो न्यूज़पेपर की बेडिंग रखी है आपने, उसको ये च्यू करने लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर सिर्फ आपकी ही प्रॉब्लम है, आपके वजीज ही न्यूज़पेपर च्यू करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो है सबके प्रॉब्लम्स हैं, कि जिन्होंने भी ये वजीज रख रखे होते हैं और न्यूज़पेपर की बेडिंग लगाते हैं, सबके वजीज ऐसा करते हैं कि हमेशा ही ये न्यूज़पेपर को च्यू करते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है हर रोज़ न्यूज़पेपर चेंज करना है। अगर ये न्यूज़पेपर को च्यू करते करते अगर ये अपने बीट को अगर खा लेंगे या फिर टच कर लेंगे, तो ये बीमार भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम आपको हर दिन न्यूज़पेपर चेंज कर देना, ताकि ये हेल्दी रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि च्यूइंग टॉयज़ कैसे बनाते हैं बजीज़ के लिए। थैंक यू व्यूअर।